देखिए मैंने ये एक कटोरी उड़द की दाल और एक कटोरी मूंग की दाल को रात को सोख करके रख दिया था। फिर उसको सुबह मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसका वीडियो मैंने पहले डाला था, आप देख सकते हैं। और मैंने ये देखिए मेरे दही बड़े बन के तैयार हो गए, कितने स्पंजी बने हैं। और अब इसको ढक के रख दिया था, जैसे दाल क्या है फर्मेंटेड हो जाती है तो उसके फ्लफी बनते हैं बहुत ही बड़े। मैंने उड़द की और मूंग की दाल दोनों बराबर क्वांटिटी में ली है इसमें। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। होली पे दही बड़े ना बने तो होली निशान अधूरी है। ये देखिए इस तरह से मैं चम्मच से ही एक एक दही बड़ा इस तरह से इसी में शेप आ जाती है। चम्मच से ही डालती हूँ मैं, हाथ से नहीं, हाथ से जलने का डर रहता है। देखिए अगर आपको मेरे दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आप भी जल्दी जल्दी दही बड़े की तैयारी करें, होली बस एक दिन बाकी है होली आने में। इसे हम पहले बना के रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने दही जमा कर रख दिया था। देखिए इस तरह हम हल्के हाथ से इसको पलट देंगे। इनको इस तरह पलट देंगे। देखिए हमारा दही बड़े बन के हो गए हैं रेडी। इसको हम अभी उसमें और पानी से डिप कर देंगे इसको। नीचे वाले ऊपर कर देते हैं। कि हमारे दही बड़े बन के हो गए हैं तैयार। अगर हम हमारे दही बड़े बनाने की को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।